Hey guys, this is SK Raj and you are watching Tech Buzz. इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ WhatsApp के 5 सीक्रेट ट्रिक के बारे में, और ये पांचों ट्रिक बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। तो शायद इनमें से आपको एक दो ट्रिक के बारे में पता हो, बट आपको पांचों ट्रिक के बारे में नहीं पता होगा। तो वीडियो के एंड तक देखिए, और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की ट्रिक्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। बात करते हैं पहले ट्रिक के बारे में। तो गाइस, व्हाट्सएप पे जब हम किसी मैसेज टाइप करते हैं, और मैसेज टाइप करने के बाद यहाँ पे हमको सेंड बटन मिलता है, और यहाँ पे हम क्लिक करके मैसेज को सेंड करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमको जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप क्या कर सकते, आप यहाँ पे जो एंटर का आइकन देख रहा है कीबोर्ड में, इसको हटा के आप यहाँ पे जो है सेंड बटन को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करना है, यह इसके लिए आपको बैक जाना है, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है 3 डॉट पे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग्स पे, देन यहाँ से आपको जाना है चैट्स पे, और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंटर इज सेंड, तो इसका आपको एनेबल कर देना। देन आप बैक जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके कीबोर्ड में जो है यहाँ पे जो आपको एंटर बटन था वो जो है चेंज करके यहाँ पे सेंड बटन आ चुका है। तो इस तरह से जो आप क्लिक करके यहाँ पे सेंड कर पाएंगे, तो यहाँ से जो है आप क्विकली मैसेज को टाइप करके सेंड कर पाएंगे। तो सेकेंड ट्रिक ये है कि हमारे WhatsApp में बहुत सारे फोटो एंड वीडियो आते रहते हैं, और उनमें से और जो भी फोटो एंड वीडियो आते हैं वो हमारे गैलरी में सेव हो जाते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि वहाँ पे कुछ फोटो एंड वीडियो ऐसे होते हैं जो गंदे होते हैं। तो यहाँ पे आपको WhatsApp एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप जो है वो जो भी फोटो एंड वीडियो आएंगे वो सिर्फ आपके जो है WhatsApp पे रहेगा, आपके गैलरी में शो नहीं होगा। तो इस ट्रिक के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स पे, और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है चैट्स पे, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी करके। तो यहाँ पे देख पा रहे शो मीडिया इन गैलरी, तो इसका आपका एनेबल होगा, इसको आपको डिजेबल कर देना है। तो जैसे आप डिजेबल करेंगे, देन अगर आपको कोई फोटो या फिर वीडियो आपको शेयर करते हैं तो फोटो वीडियो आपके सिर्फ व्हाट्सएप पर रहेगा, आपके गैलरी में सेव नहीं होगा। तो थर्ड जो ट्रिक है बहुत ही कमाल का है। इस ट्रिक की मदद से अगर आप किसी के व्हाट्सएप स्टेटस को देखते हैं तो सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका जो है स्टेटस को देखा है। तो इस ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, देन आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे, और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है अकाउंट पे, और फिर आपको क्लिक करना है प्राइवेसी पे, देन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीड रिसीव करके, इसको आपको पहले से इनेबल होगा, इसको आपको डिसेबल कर देना है। देन अगर आप व्हाट्सएप में किसी का स्टेटस देखते हैं तो पे शो नहीं होगा कि आपने उसका स्टेटस को देखा है। तो इस तरह से जो है आप चोरी चोरी किसी का स्टेटस देख सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ ट्रिक के बारे में। तो गाइस, हमारे एक बहुत सारे चैट के अंदर जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज ये और जो है फोटो रहता है। तो हम जब बाद में उन सारे मैसेज या फिर फोटो को जब देखने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेज की वजह से हम उसे ढूंढने में जो हमको बहुत ही परेशानी होता है। तो आप उन सारे मैसेज को जो है स्टार में ऐड कर सकते हैं और ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करना है, तो इसके लिए आपको बस उस मैसेज या फिर फोटो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, देन यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्टार का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मैसेज के ऊपर या फिर फोटो के ऊपर एक स्टार का आइकन दिखेगा, तो यहाँ से आपको बैक जाना है, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है 3 डॉट पे, और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टार्टेड मैसेज करके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको उन सारे फोटो वीडियो मैसेज दिखेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने जिन्हें जो है स्टार करके रखा है। तो इस तरह से जो है आप बड़ी आसानी से इन सारे मैसेज को जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं लास्ट ट्रिक के बारे में। ये जो ट्रिक है बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। तो किसी वजह से अगर हमें अपना व्हाट्सएप नंबर को चेंज करना पड़ता है, देन हमें सभी को बताना पड़ता है कि ये हमारा नया व्हाट्सएप नंबर है, वो पुराना जो है चेंज हो चुका है। तो हमको फ़ोन करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से सभी को बता सकते हैं कि आपका नंबर चेंज हो चुका है और नया नंबर के वो आप बता सकते हैं। तो इस ट्रिक के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स पर, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है अकाउंट पे, देन यहाँ से आपको क्लिक करना है चेंज नंबर पे, देन यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, और फिर यहाँ पे आपका वो व्हाट्सएप का जो पुराना नंबर है वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपना नया नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ।
और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफाई माई कॉन्टैक्ट, तो इसे आपको एनेबल कर देना है। देन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, आपको तीनों ऑप्शन दिखाया गया है यहाँ पे, ऑल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉन्टैक्ट आई हैव चैट विथ, और या फिर आप जिन लोगों के साथ जो चैट करते हैं उन लोगों को, या नीचे आपको मिल जाता है तीसरा ऑप्शन कस्टम, तो यहाँ से आप कस्टम पर क्लिक करके आप कुछ कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप अपना नया नंबर देना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है हो जाने के बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। देन उन सभी के पास जो है मैसेज पहुँच जाएगा कि आपका कौन सा नया नंबर है और आपने पुराना नंबर चेंज कर दिया है। तो इस तरह से जो है आपका बहुत ही इजीली हो जाएगा।